अनूपपुर नगर पालिका क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली में तिरंगे के साथ बीजेपी के झंडे का प्रदर्शन किया। पूरे अनूपपुर नगर पालिका क्षेत्र में निकाली गई रैली जिसमें पुलिस भी सहयोग करती नजर आई। वहीं निर्भया पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी सुरक्षा देती नजर आई, तो वहीं कई सारी बाइक पर तिरंगा यात्रा की रैली में तिरंगे के साथ साथ राजनीतिक पार्टी का झंडा भी देखने को मिला, जो कि कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक देश एक संविधान के तहत एक झंडा तिरंगा जिसे देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे का प्रदर्शन होना कितना उचित हो सकता है? तो क्या राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे का प्रदर्शन सही है या नहीं, या फिर जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनका बलिदान यूं ही व्यर्थ में चला जाएगा? क्योंकि देश में तिरंगा यात्रा का प्रचार सरकार कर रही है, पिछले वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, उस दिन सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही लहराया गया था। पंद्रह अगस्त के अवसर पर बीजेपी की झंडा लेके घूम रहे हैं, किसने निर्देशित किया था आप लोगों को? सब घूम रहे हैं, देखो बीजेपी का नहीं, वो तो घूम रहे हैं, लेकिन आपके गाड़ी में आपके पास झंडा दिखा तो किसी पार्टी वालों ने कहा कि बीजेपी झंडा लहराना है? बीजेपी का पूरा लेके गए हैं पूरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। कहाँ से है? अनूपपुर से है। क्या बीजेपी में कार्यकर्ता है कि पदाधिकारी है? अरे कार्यकर्ता नहीं है, सब बुलाया कि भाई कि मेरा लिए घूमना चलना है, कार्यकर्ता नहीं है। किसने बुलाया था आपको? बुलाए तो जो मेन थे वो ही बुलाए थे। नाम तो होगा उनका? देखो बीजेपी